राजस्थान के मशहूर नेता 50 साल के विधायक अमीन कागजी ने दूसरी शादी की, इसको लेकर के हलफनामे में खुलासा हुआ है। और इसी दरमियान आप सभी को बता दें कि हिंदू लड़की से उनकी ये शादी देखने को मिली है। और इसके पीछे अब ये जब खुलासा हुआ है तो क्या कुछ अब सामने आता हुआ नजर आया, इन सभी की तमाम जानकारी दिखाते हैं हमारी ये रिपोर्ट में। पोल विधानसभा क्षेत्र से विधायक और कांग्रेस के प्रत्याशी अमीन कागजी ने 50 साल की उम्र में दूसरा निकाह किया। उन्होंने पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी शादी की, ये खुलासा उन्होंने अपने चुनावी एफिडेविट में किया है। इस एफिडेविट में उन्होंने दो पत्नियों की जानकारी दी है। दूसरी पत्नी का नाम मोनिका शर्मा कागजी बताया। अमीन कागजी की पहली पत्नी का नाम रेशमा है। इनसे उनके 4 पुत्र पुत्रियां हैं। इसका उल्लेख अमीन कागजी ने साल 2018 के विधानसभा चुनाव में भरे हुए एफिडेविट में किया था। इस बार 2023 विधानसभा चुनाव के नामांकन पत्र में उन्होंने दो पत्नियों की जानकारी दी। एफिडेविट में नई पत्नी मोनिका शर्मा कागजी के नाम से जिक्र हुआ है। सूत्रों के मुताबिक मोनिका शर्मा अमीन कागजी के यहाँ निजी सचिव के रूप में काम करती थी। सूत्रों का कहना है कि कोविड काल के दौरान अमीन ने मोनिका से निकाह किया, जो बिल्कुल गुप्त रहा। कुछ ही लोगों को इसकी जानकारी मिली और मोनिका से उनको एक बेटी भी है। पिछले साल 2022 में उन्होंने अपनी सबसे बड़ी बेटी का निकाह भी किया था। बड़ी बेटी के निकाह से पहले उन्होंने अपना दूसरा निकाह किया। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।